आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की और समझेंगे उसकी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री के चैलेंजेस और फ्यूचर को। दोस्तों, यूपी फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन्स में लोकेटेड है, जो कि इंडिया का मोस्ट पॉपुलर स्टेट भी है विद अराउंड 20 करोड़ पीपल। अगर ये एक देश होता तो दुनिया का फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री होता। इस ह्यूज पॉपुलेशन के चलते ही ये इंडियन पॉलिटिक्स का सेंटर पॉइंट भी है, जिसने देश को 9 प्राइम मिनिस्टर्स दिए। लेकिन यूपी के बारे में जनरल परसेप्शन ये है कि वो एक हाईली पॉलिटिसाइज्ड, क्राइम से भरपूर, करप्शन में लिप्त और ह्यूमन डेवलपमेंट में पिछड़ा हुआ स्टेट रहा है। शायद इसलिए फेमस डेमोग्राफर आशीष बोस ने यूपी को एक बीमारू स्टेट बोला था। लेकिन सवाल ये है कि क्या यूपी हमेशा से ही इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा था? अगर नहीं तो वो कौन सा समय और क्या कारण थे जिन्होंने यूपी को इस कंडीशन में पहुंचाया? कई लोग कहते हैं कि हिंदी बेल्ट के स्टेट्स, स्पेशली बिहार और यूपी की बैकवर्डनेस का मेन कारण कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स रही है। लेकिन ये कंप्लीट पिक्चर को नहीं दर्शाता, क्योंकि कास्ट पॉलिटिक्स तो इंडिया की वो रियलिटी है जो हर स्टेट में आपको किसी न किसी रूप में दिखाई देगी। आज हम इस क्लेम की वैलिडिटी को एनालाइज करते हुए बाकी कारणों पर भी चर्चा करेंगे और यूपी के ऐतिहासिक ग्लोरी को समझते हुए ये जानेंगे कि ये स्टेट कैसे और क्यों बीमारू स्टेट्स में गिना जाने लगा। तो आइए सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं यूपी की ऐतिहासिक ग्लोरी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश इंडियन सिविलाइजेशन हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है, क्योंकि दुनिया के मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशंस रिवर वैलीज के अराउंड मिलते हैं। इसलिए इंडिया में पहले इंडस वैली और उसके बाद गैंगेटिक प्लेन्स अपनी फर्टिलिटी और एल्यूवियल सॉइल के चलते सिविलाइजेशनल ग्रोथ के सेंटर रहे। यहीं पर ऋग्वेदिक सभ्यता का ग्रोथ हुआ, जिसका मेजर एरिया यूपी में आता है। इसके बाद चाहे मौर्य एम्पायर हो या गुप्ता एम्पायर, उत्तर प्रदेश एक इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ सिविलाइजेशनल ग्रोथ बन के उभरा, जहाँ मेजर सिटीज ऑफ कन्नौज, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज एक्सेट्रा का राइज हुआ। फर्टिलिटी के अलावा इंडिया का नदन ट्रेड रूट उत्तरापाथा भी इंडो गैंगेटिक प्लेन से गुजरते हुए काबुल और सेंट्रल एशियन सिल्क रूट को बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट करता है। इस ट्रेड रूट में यूपी के मेजर सिटीज जैसे मथुरा, प्रयागराज और वाराणसी थे, जिसकी वजह से ये सिटीज प्रॉस्परस हुए। ये ट्रेडर्स के लिए सराय या रेस्टिंग सेंटर्स की तरह थे। 7th सेंचुरी के बाद यूपी का कन्नौज एक मेजर पावर सेंटर बना, जो हर्षवर्धन की कैपिटल सिटी थी। चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सांग ने कन्नौज को विजिट किया था और इसकी प्रॉस्पेरिटी को डिस्क्राइब करते हुए कहा कि कन्नौज ने पाटलिपुत्र को रिप्लेस कर दिया है। हर्षा के बाद कन्नौज को लेकर भारत के 3 पावर्स, पाला, प्रतिहारा और राष्ट्रकुटा आपस में लगभग 200 सालों तक लड़ते रहे। बाद में दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के दौर में भी यूपी के सिटीज फलते फूलते रहे। शेरशाह सूरी ने उत्तरापाथा को रिनोवेट किया और यहाँ ट्रेड और ज़्यादा फ्लरिश हुआ। 1506 में मुगल लीडर शाहजहाँ ने अपनी कैपिटल को यूपी के आगरा में शिफ्ट किया, जो यूपी के इम्पोर्टेंस को दर्शाता है। मुगल एम्पायर की इकॉनमी यूपी के फर्टाइल प्लेन से आने वाले रेवेन्यू पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थी, जिसे वो अपने जागीरदारी सिस्टम के थ्रू कंट्रोल करते थे। एग्रीकल्चर हमेशा से यहाँ इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी थी और इसीलिए कई रूलर्स ने समय समय में यहाँ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। फॉर एग्जाम्पल, अकबर ने तोदरमल की हेल्प से जब्त सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और साइंटिफिक लैंड सर्वे के बेसिस पर क्रॉप रेवेन्यू फिक्स किया। इसने गंगा वैली में कमर्शियल क्रॉप्स को प्रमोट किया। इनके अलावा यूपी एक इम्पॉर्टेंट कल्चरल सेंटर भी रहा। एंशियंट टाइम्स में गौतम बुद्धा ने यूपी के सारनाथ में अपना फर्स्ट सेरमन दिया और अपना काफ़ी समय इस रीजन में स्पेंड किया। इसके अलावा अशोका के दौर में यहाँ कई आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स हुए, जिसका एक एग्जाम्पल सारनाथ का लॉयन पिलर है। वाराणसी, प्रयाग, अयोध्या और मथुरा जैसे शहर हमेशा से हिंदूज के लिए होली सिटीज रहे हैं। मुगल्स के दौर में यूपी में कई प्रोमिनेंट आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स जैसे ताजमहल और आगरा फोर्ट का कंस्ट्रक्शन किया। ये आज भी यूपी के टूरिज्म इंडस्ट्री में मेजर रोल प्ले करते हैं। लेकिन ये हिस्टोरिकल ग्लोरी 20th सेंचुरी में आते आते कहीं दब के रह गई और यूपी कई सारी समस्याओं का गढ़ बन गया। इस कॉन्टेक्स्ट में अब हम समझते हैं कि यूपी का डाउनफॉल कैसे और क्यों हुआ। दोस्तों, हम जानते हैं कि आज इंडिया जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है उसका एक मेजर कारण ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म है। लेकिन इस ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ने यूपी को भी नुकसान पहुंचाया। इसमें सबसे मेजर एस्पेक्ट है ब्रिटिशर्स की एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसी।
यानी परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी सिस्टम। परमानेंट सेटलमेंट मेनली ईस्टर्न यूपी और वाराणसी में इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन 1856 में जब ब्रिटिशर्स ने अवध स्टेट को एनेक्स किया तो बाकी के यूपी में भी जमींदारी का मॉडिफाइड वर्जन महलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। पहले लैंड प्राइवेटली ओन्ड नहीं बल्कि कम्युनिटी ओन्ड थी, लेकिन अब वो जमींदारों की ओनरशिप में चली गई और यूपी में एक लार्ज लैंडलेस लेबर क्लास का जन्म हुआ जिसे माइट जमींदार्स एक्सप्लॉइट करते थे। इन पॉलिसीज ने यूपी में जमींदार और मनी लेंडर्स को काफी पावरफुल बना दिया और लैंड रेवेन्यू को बिना किसी साइंटिफिक बेसिस के फिक्स कर दिया गया। ब्रिटिशर्स को फर्क नहीं पड़ता था कि प्रोडक्टिविटी कैसी है और प्रोडक्शन हुआ या नहीं। इस पॉलिसी ने यूपी के किसानों को गरीबी की तरफ ढकेल दिया। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने यूपी के फ्लरिशिंग हैंडलूम इंडस्ट्री को भी बर्बाद किया। मुगल्स और अर्ली ब्रिटिश पीरियड तक इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑफ ढाका, मालवा और बनारस वर्ल्ड क्लास टेक्सटाइल प्रोड्यूस करते थे जो दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते थे और अपनी क्वालिटी के चलते वेस्टर्न वर्ल्ड में काफ़ी डिमांड में भी थे। ब्रिटेन और यूरोप में लार्जली उलन इंडस्ट्रीज का चलन था जिनके कपड़े समर्स में अनकंफर्टेबल हो जाते थे, लेकिन जब इंडियन कॉटन क्लोथ्स यूरोप और ब्रिटेन में इंट्रोड्यूस हुए तो उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ी। इंडियन फैब्रिक्स की बढ़ती डिमांड ने इंग्लैंड की ट्रेडिशनल वुलन इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया और इसलिए ब्रिटेन ने 1700 एडी से इंडियन क्लोथ्स पर कई रेस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू किए। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपना पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टैब्लिश करना शुरू किया तो उन्होंने इंडियन वीवर्स पर कई तरह के टैक्सेस भी लगाए जो उनके लिए काफ़ी नुकसानदायक रहा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ब्रिटेन में मशीन मेड क्लोथ्स या मैनचेस्टर क्लोथ्स का जन्म हुआ जो काफ़ी सस्ते थे और उन्हें इंडियन मार्केट्स में इंट्रोड्यूस किया गया। एक्सपोर्ट में ऑलरेडी क्राइसिस फेस कर रहे इंडिया हैंडलूम्स में अपना डोमेस्टिक मार्केट भी खो दिया क्योंकि हैंडमेड क्लोथ्स सस्ते मैनचेस्टर क्लोथ्स से इंडिया में भी कम्पीट नहीं कर पाए। ये वैसे ही था जैसे आज चाइना सस्ते गुड्स से इंडियन इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुँचाता है। इन सब ने मिलकर इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन नाम के हिस्टोरिकल प्रोसेस की शुरुआत की जिसने हैंडलूम इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर दिया। बनारस के भी कई हैंडलूम वीवर्स को अपना बिजनेस बंद कर एग्रीकल्चर और बाकी ऑक्यूपेशन की तरफ शिफ्ट होना पड़ा। ब्रिटिशर्स की इन पॉलिसीज का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म था जिसका नुकसान इंडिया इन जनरल और यूपी इन स्पेसिफिक इंडिपेंडेंस के बाद भी फेस करते रहे। दोस्तों, इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ब्रिटिश पॉलिसीज को चेंज करने के लिए सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए और जमींदारी को एबोल्यूशन कर लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश की, लेकिन लैंड स्टेट सब्जेक्ट में आता है और इसलिए लैंड रिफॉर्म्स की मेन जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट्स की रही। जमींदारी ने इंडिया में एक्सप्लॉयटेटिव जमींदारी मनी लेंडर नेक्सस को जन्म दिया था जो मिलकर मार्जिनल और लैंडलेस फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे। इन एक्सप्लॉयटेशन के लिए कई जमींदारों के पास खुद के लाठियल्स और मिलिशियाज होती थी। साथ ही इन जमींदारों का इन्फ्लुएंस ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल क्लासेस पर भी था। लैंड रिफॉर्म्स लॉज में भी कई लूप होल्स थे। इन सब के चलते सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने पॉलिटिकल विलिंगनेस नहीं दिखाई लैंड रिफॉर्म्स में, एक्सेप्ट फ्यू लाइक वेस्ट बंगाल एंड केरला। उत्तर प्रदेश में भी लैंड रिफॉर्म्स लार्जली फेलियर साबित हुए। इस फेलियर ने यूपी में कई तरह के प्रॉब्लम्स को जन्म दिया। सबसे पहला प्रॉब्लम था लैक ऑफ इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एज रिक्वायर्ड। जमींदार्स लैंडलेस लेबरर्स और मार्जिनल फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते रहे। इसके अलावा जमींदार क्लास में कास्ट सिस्टम का भी रोल था क्योंकि मोस्ट जमींदार्स पावरफुल और डोमिनेंट कास्ट से आते थे। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के मुताबिक आज भी 47% ठाकुर्स यूपी के वेल्थ ओनिंग क्लास के टॉप 20% में आते हैं। इन सब ने मिलकर कहीं ना कहीं यूपी में कास्ट बेस्ड डिवीजन और राइवलरी को भी जन्म दिया जो 1980s में काफ़ी पॉलिटिसाइज और प्रोमिनेंट हो गया। मंडल कमीशन ने जब ओबीसी रिजर्वेशन की बात की और बैकवर्ड क्लासेस के इम्प्रूवमेंट को दर्शाया तो यूपी और बिहार में बैकवर्ड कास्ट पॉलिटिक्स जोर पकड़ने लगी और कास्ट बेस्ड पोलराइजेशन बढ़ गया। इसके अलावा इसी दौर में रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स का भी उदय हुआ जो 1992 में बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन में दिखा। इसने रिलीजियस पोलराइजेशन को भी बढ़ा दिया और यूपी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का सेंटर बन के उभरा जहां डेवलपमेंट के मुद्दे बैक बर्नर पर चले गए और वोटिंग बिहेवियर कास्ट और रिलीजियस लाइंस में होने लगे। दोस्तों, किसी भी स्टेट का ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, लेकिन यूपी यहां भी मात खा गया और यह सिर्फ मंडल के बाद नहीं हुआ बल्कि काफी पहले से चला आ रहा है। यूपी हमेशा से एक यूनिक स्टेट रहा है
1967 तक यूपी में कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस तो रहा, लेकिन किसी भी सीएम ने फुल 5 ईयर टर्म्स कंप्लीट नहीं किए। हैरानी वाली बात यह है कि इंडिपेंडेंस के 60 साल बाद 2007 में जब मायावती यूपी की सीएम बनी तो वो पहली सीएम थी जिन्होंने 5 ईयर टर्म कंप्लीट किया। 1967 के बाद कांग्रेस डोमिनेंस कमजोर पड़ने लगा और यूपी और ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ा, जो 1980s में बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट लेड बाय एसपी और दलित असर्शन लेड बाय बीएसपी के चलते और प्रोमिनेंट हो गया। यूपी में रीजनल और कास्ट बेस्ड पार्टीज के राइज के चलते वहाँ कोएलिशंस का दौर भी शुरू हुआ, जिसका इम्प्लीकेशन हमें नेशनल पॉलिसीज में भी दिखा। इन सब फैक्टर्स के चलते आज यूपी वो स्टेट है जहाँ सबसे ज्यादा बार प्रेसिडेंट्स रूल लगाया गया, 10 बार। सिर्फ 1980 से 1988 के बीच 8 सालों में यूपी ने 6 सीएम देखे। इसके अलावा यूपी में 9 स्टेट गवर्नमेंट्स 4 मंथ से भी कम समय के लिए चल पाई। इस पूरे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल चर्निंग ने यूपी में कास्ट बेस्ड वायलेंस, माफियाज, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और रैम्पेंट करप्शन को जन्म दिया, जिसने उसके डेवलपमेंट को हिंडर किया। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ने स्पेसिफिकली बिजनेस को डिस्करेज किया और कोई मेजर इंडस्ट्रीज वहां दशकों तक सेटअप नहीं हो पाई। दोस्तों, यूपी में एक क्लियर कट रीजनल डिवाइड भी है जो उसके ओवरऑल डेवलपमेंट और इक्विटेबल डेवलपमेंट को रोकता है। यही वजह है कि देश की थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी होने के बाद भी यूपी कई सोशल इंडिकेटर्स में पीछे है। 1960s में एग्रीकल्चरल क्राइसिस से जूझ रहे इंडिया ने ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की, जो वेस्टर्न यूपी, पंजाब और हरियाणा में सक्सेसफुल हुआ। इसके अलावा अभी तक क्राइसिस झेल रहा एग्रीकल्चर वेस्टर्न यूपी में एक रिम्यूनरेटिव एक्टिविटी बन के उभरा और यहाँ के किसानों की इनकम काफ़ी रैपिडली राइज हुई। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन का बेनिफिट मेनली वेस्टर्न यूपी तक ही सीमित रहा। इसका मेन कारण था ईस्टर्न यूपी में फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, जहां स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कहीं ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू वेस्टर्न यूपी। इसके चलते मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जैसे हार्वेस्टर्स, बल्ड ट्रैक्टर्स का यूज़ काफ़ी मुश्किल हो गया। इसके अलावा डिस्पाइट ऑफ सेवरल अटेम्प्ट्स, एग्रीकल्चर लैंड कुछ एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स के हाथ में ही रही, जो उसमें इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं थे और शेयर क्रॉपर्स के पास पैसे ही नहीं थे इन्वेस्ट करने के लिए। इस वजह से इन्वेस्टमेंट इन लैंड, इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल्स सब कुछ इनएडिक्वेट रहा और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम ही रही। साथ में मार्जिनल फार्मर्स लार्जली सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे और वो कमर्शियल फार्मिंग में लगने वाला इन्वेस्टमेंट करने की सिचुएशन में नहीं थे। एक तरफ जहां वेस्टर्न यूपी में इरिगेशन फैसिलिटीज वेल डेवलप्ड थी, वहीं ईस्टर्न यूपी रेन फेड एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रहा। इसके अलावा बुंदेलखंड रीजन अपनी जियोग्राफिकल चैलेंजेस के चलते हमेशा से ही एक वाटर स्कार्स रीजन रहा है और वहाँ भी एग्रीकल्चर उतना अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया। इन सब के चलते यूपी में एक रीजनल डिवाइड का जन्म हुआ और यूपी में बैलेंस डेवलपमेंट और ग्रोथ मुश्किल हो गया। द मिंट की एक रिपोर्ट के हिसाब से इन्हीं सब वजहों से आज भी यूपी के मोस्ट डेवलप्ड रीजन्स आपको वेस्टर्न पार्ट में ही मिलते हैं। दोस्तों, इंडिपेंडेंस के पहले उत्तर प्रदेश का शुगर फार्मिंग और शुगर इंडस्ट्री दोनों बूम कर रहे थे और यूपी शुगर बाउल ऑफ इंडिया कहलाता था, लेकिन 1960s से 1990s के बीच इसने अपना पोजीशन महाराष्ट्र को दे दिया, जहां कोऑपरेटिव सेक्टर रिफॉर्म्स के चलते मैसिव शुगर इंडस्ट्रीज डेवलप हुए। इस दौर में यूपी की शुगर इंडस्ट्री ने मैसिव डिक्लाइन फेस किया, जहां हार्डली कोई नई प्राइवेट मिल्स एस्टैब्लिश हो रही थी। इसके अलावा बाकी के इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी यूपी पीछे रह गया। ब्रिटिश इंड्यूस्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन फेस कर रहा यूपी इंडिपेंडेंस के बाद भी खुद को कई दशकों तक इंडस्ट्रियलाइज नहीं कर पाया। इसके कई कारण थे। सबसे पहला था, अनलाइक बिहार एंड झारखंड, यूपी का नेचुरल रिसोर्स बेस उतना ज़्यादा नहीं था। सिंगरौली बेल्ट में कोल डिपॉजिट्स और सोनभद्रा, मिर्ज़ापुर और बांदा में लाइमस्टोन फॉर्मेशंस के अलावा यूपी रिसोर्स स्कार्स ही रहा है। लेकिन इसके बावजूद बिहार और झारखंड से नज़दीकी के बाद भी यूपी बेटर पोजिशन था। यहाँ कई इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बने ताकि रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवॉइड हो सके। साथ ही यूपी में एक मैसिव पॉपुलेशन के चलते चीप लेबर भी अवेलेबल थी और यूपी एक मेजर सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ बनके उभर रहा था। लेकिन इंडिया का मोस्ट पॉपुलर स्टेट, जहाँ देश की 15% वर्किंग एज पॉपुलेशन है, वो सिर्फ 9% ऑफ सैलरीड जॉब्स और बेयरली 7% फैक्ट्री जॉब्स क्रिएट करता है। इसका मेन कारण है 1952 में इंडियन गवर्नमेंट की फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जिसने बिहार के साथ साथ यूपी को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया। इस पॉलिसी ने पूरे इंडिया में कॉस्ट ऑफ कोल,
आयरन ओर, स्टील एंड सीमेंट के फ्रेट चार्जेस को ऐसे डिजाइन किया कि इंडस्ट्रियलिस्ट देश में कहीं भी ये रिसोर्सेज सेम कॉस्ट में एक्वायर कर सकते थे और इसलिए इंडस्ट्री भी कहीं भी सेटअप करी जा सकती थी। इस पॉलिसी ने कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को इररिलेवेंट बना दिया। यही वजह है कि मोस्ट इंडस्ट्रीज, मार्केट और पोर्ट लोकेशंस ऑफ वेस्टर्न इंडिया में सेटअप हुए ताकि वो अपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स ईजिली कर सकें। इसके अलावा यूपी एक लैंडलॉक्ड स्टेट भी है जिसके चलते भी उसका डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हो पाया जैसे होना चाहिए था। इन सब फैक्टर्स के चलते यूपी में स्किल डेवलपमेंट, इलिटरेसी और पुअर ह्यूमन डेवलपमेंट ने कहीं ना कहीं एक लार्ज पॉपुलेशन को काफ़ी समय तक अनस्किल्ड रखा। ये लेबर फोर्स एग्रीकल्चर और स्मॉल इंडस्ट्रीज पर ही डिपेंडेंट रही और इंडस्ट्रीज में जाने में सक्षम नहीं थी, स्पेशली इन बेटर पेड हाई स्किल्ड इंडस्ट्रीज। खैर 1992 में लिबरलाइजेशन के दौर में ये फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी को ख़त्म कर दिया गया, लेकिन तब तक यूपी ऑलरेडी काफ़ी पीछे जा चुका था। लिबरलाइजेशन ने कंपटीशन इंट्रोड्यूस तो किया लेकिन पुअर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नेंस प्रॉब्लम्स के चलते यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से इंडस्ट्रियलिस्ट बचते रहे। रावण मूर्ति के हिसाब से यूपी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या कहें FDI नेशनल FDI का सिर्फ 1.96% रहा बिटवीन 1991 टू 1998। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड के हिसाब से 2007 में जहां महाराष्ट्र में पर कैपिटा FDI 5019 रुपए थी, वहीं यूपी में सिर्फ 289 रुपए पर सीमित था। वैसे ऐसा नहीं है कि यूपी में इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर मेनली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और इनफॉर्मल सेक्टर्स ही ग्रो हुए। फॉर एग्जांपल आगरा और कानपुर लेदर इंडस्ट्रीज के सेंटर बन के उभरे। वाराणसी के आसपास हैंडलूम्स का रिवाइवल हुआ और मुरादाबाद में ब्रास इंडस्ट्रीज आई, लेकिन हैवी इंडस्ट्रीज यहाँ डेवलप नहीं हो पाई जिसके चलते इसका ग्रोथ उतना इंप्रेसिव नहीं रहा। दोस्तों कई दशकों तक चैलेंजेस फेस कर रहा यूपी अब ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। यूपी आज इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है बाई GDP और सिर्फ महाराष्ट्र और तमिलनाडु से पीछे है। आज यूपी लगभग $256 बिलियन इंडियन GDP में कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा यूपी पिछले 10 सालों में 10.59% क्यूमुलेटिव ग्रोथ रेट से ग्रो किया है, जो एक अचीवमेंट है। यूपी के सडन चेंजिंग इकोनॉमिक सिनेरियो में शायद सबसे मेजर रोल है उसके राइजिंग सर्विस सेक्टर का। 1990s में जो सर्विस सेक्टर 40% स्टेट GDP में कंट्रीब्यूट करता था, वो आज लगभग 50% तक बढ़ गया है। इसे पॉसिबल हुआ इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी ड्रिवन नॉलेज इकोनॉमी के राइज से और यूपी के एफर्ट्स से, जिसके चलते वेस्टर्न यूपी में नोएडा जैसा इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स रैपिडली ग्रो हुए। नोएडा अकेले 10% स्टेट GDP में कंट्रीब्यूट करता है। दिल्ली NCR से नज़दीक की और स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज के चलते यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स हुए और यहाँ दुनिया भर के MNCs और इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज ने खुद को एस्टैब्लिश किया। 2003 से 2004 के बीच में यूपी इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर बना। 2011 से 2018 के बीच में यूपी का सर्विस सेक्टर लगभग 15% से ग्रो किया, जिसमें ट्रेड, होटल्स, रियल एस्टेट, फाइनेंस, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज एक्सेट्रा का मेजर रोल था। यही नहीं, यूपी के पास आज 15 इंडस्ट्रियल एरियाज, 12 स्पेशलाइज्ड पार्क्स, 4 ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर यानी IIDC हैं। नवंबर 2019 में उत्तर प्रदेश के पास 20 नोटिफाइड, 13 ऑपरेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और 23 फॉर्मली अप्रूव्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थे। हम आपको बता दें कि SEZs चाइना के राइज में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर चुके हैं और इसलिए ये क्रूशल है। इन SEZs में मेजॉरिटी IT डोमिनेटेड है। इसके अलावा यूपी ने 40 IT पार्क्स, 2 बायोटेक जोन्स और 1 नॉलेज पार्क में इन्वेस्ट करने का भी प्लान किया है। सर्विसेज के अलावा वेस्टर्न यूपी के एग्रीकल्चरल पावर और अपने रोबस्ट शुगर इंडस्ट्रीज के चलते यूपी ने इंटीग्रेटेड एग्रो फूड प्रोसेसिंग जोन्स की तरफ भी जोर दिया है। इनमें से एक हापुर में बनाया जाएगा, अबाउट 54 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। यूपी में आज टोटल 4 एग्री एक्सपोर्ट जोन्स हैं, जिनमें पोटैटोस, मैंगोज, वेजिटेबल्स और बासमती राइस इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा 40 ईयर्स के डिक्लाइन के बाद 1990s में यूपी का शुगर इंडस्ट्रीज रिवाइव होना शुरू हुआ और आज यूपी इंडिया का लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर भी है। 1990s के बाद यूपी की शुगर इंडस्ट्रीज फिर से रिवाइव करने लगी, जहां प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का रैपिड राइज हुआ। यूपी के शुगर मिल्स में ओनरशिप का कंसोलिडेशन इसका मेन रीजन था।
जहां सिर्फ 5 प्राइवेट ग्रुप्स 46% शुगर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन सिर्फ 114 में से 26 मिल्स में। इसमें यूपी शुगर इंडस्ट्री प्रमोशन पॉलिसी 2004 का भी इम्पॉर्टेंट रोल रहा। इसके अलावा यूपी में लार्ज लाइव स्टॉक पॉपुलेशन के चलते यहाँ का लेदर इंडस्ट्री आज भी काफी रोबस्ट कंडीशन में है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज अदर प्रॉमिसिंग सेक्टर इन द स्टेट। अपनी कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट वर्कफोर्स के चलते यूपी ग्लोबल एमएनसीज जैसे कोका कोला, पेप्सी, ग्लाक्सो, होंडा और पियागियो को भी अट्रैक्ट कर रहा है। इसके अलावा कनेक्टिविटी के मामले में भी पिछले दशक में यूपी में मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं जो सप्लाई चेन को देश के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। 2012 में यमुना एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हुआ और उसके बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 2018 में शुरू हुआ। अब 4 और एक्सप्रेसवेज आने वाले हैं, जिसमें 340 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 296 किलोमीटर का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, 91 किलोमीटर का गोरखपुर लिंक और 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे इंक्लूडेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कई दशकों तक पिछड़ा हुआ यह स्टेट अब एक साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा है। इसके अलावा टूरिज्म भी यूपी का नीश है, जहां सबसे ज्यादा डोमेस्टिक टूरिज्म देखा गया है। इसमें सबसे ज्यादा रोल ताजमहल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी जैसे आर्किटेक्चुरल वंडर्स, प्रयागराज में होने वाले कुंभ फेस्टिवल, वाराणसी के टेम्पल्स और रिलीजियस गैदरिंग्स और सारनाथ जैसे हिस्टोरिकल साइट्स का है। 2019 में उत्तर प्रदेश में 535.8 मिलियन डोमेस्टिक टूरिस्ट और 4.74 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट विजिट करने आए थे। पावर जनरेशन प्रोजेक्ट में भी यूपी काफी इम्प्रूव कर रहा है, स्पेशली 1990s में हुए पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के बाद, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने क्रूशल रोल निभाया था। जनवरी 2019 में उत्तर प्रदेश का इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ 25,000 मेगावाट तक था और ये पिछले सालों में लगातार ग्रो कर रहा है। दोस्तों, इन सब कारणों के चलते यूपी शायद अब एक राइजिंग स्टार की तरह देखा जा सकता है। अपनी ह्यूज पॉपुलेशन और इमेंस डेमोग्राफिक डिविडेंड के चलते उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इसे टैप कर अपने ग्रोथ को इम्प्रूव करे। उत्तर प्रदेश में पिछले 15 सालों में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी रही है, स्पेशली मायावती के 2005 में पावर आने के बाद और उसके बाद अखिलेश यादव और फिर योगी आदित्यनाथ। इन गवर्नमेंट्स के एफर्ट्स के चलते ही शायद आज यूपी फूड ग्रीन्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जिसने 2016 से 2017 के बीच में इंडिया के टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शंस में 17.83% कंट्रीब्यूट किया था। लेकिन कई चैलेंजेस अभी भी हैं जिनके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटिकल एफर्ट की जरूरत होगी। फॉर एग्जांपल, एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से 2019 में यूपी में क्राइम अगेंस्ट वुमेन 4 सालों में 28% राइज हुआ था। ये क्राइम रेट्स शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अगेंस्ट भी बढ़े हैं। इसके अलावा वहां सबसे मेजर चैलेंज है इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोथ रीजनली और अक्रॉस कास्ट, क्लास और जेंडर लाइंस। द मिंट के हिसाब से लार्जेस्ट पॉपुलेशन प्रेशर के चलते भले ही यूपी इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी है, लेकिन उसकी पर कैपिटा जीडीपी नेपाल जैसी है, जबकि महाराष्ट्र की पर कैपिटा जीडीपी वियतनाम जैसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जैसी है। SBI रिसर्च के हिसाब से यूपी 27 सालों में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अपनी रैंकिंग इम्प्रूव करने में लार्जली असफल रहा है। लेकिन इस रिसर्च के हिसाब से यूपी का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 17% के रेट से हुआ है, जो एक अच्छा संकेत है और शायद यूपी अपनी रैंकिंग को आगे इम्प्रूव भी कर पाएगा। करप्शन के मामले में भी यूपी फिलहाल प्रॉब्लम्स झेल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिलेटेड करप्शन केसेस में यूपी टॉप में रहा है एज पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कंज्यूमर अफेयर्स राव साहिब दानवे पाटिल। अगर यूपी इन एरियाज में एक यूनिफाइड अप्रोच के साथ काम करता है यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिसेस, तो शायद आने वाले समय में ये देश का सबसे बड़ा राज्य एक मिसाल बन के उभरेगा। दोस्तों, कैसा लगा आपको यूपी की ग्रोथ को लेकर हमारा ये एनालिसिस, और इसके साथ ही साथ आपका क्या ओपिनियन है यूपी को लेके कि कौन से ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो आगे चल के यूपी को आगे बढ़ाने वाली हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।